સીધા દ્રશ્ય જોઈ શકો છો. અરવિંદ કેજરીવાલનું અહીં ભવ્ય સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ગોપાલ ઇટાલિયા સહિતના જે નેતાઓ છે તેમને આવકારવા માટે અમે આવી પહોંચ્યા છે. ત્યારે આપણે અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ શું કરી ગુજરાત ઇલેક્શન કી તારીખ કો લેકર ટ્વીટ કિયા હૈ આપને? વિશ્વસ્ત સૂત્ર જૈસે આપ પત્રકાર મે પ્રેસ ભી કરતે હૈ સવાલ કરતે હૈ કે હમારે સોશિયલ મે બતા રહે હૈ કે આમ આદમી પાર્ટી કો લેકે ગુજરાત કે અંદર નીચે ધનિલ ભાઈ બીજેપી મે કાફી જ્યાદા હોના નીચે તનાવ હૈ અભી તો રેન્કિંગ મેચ હો રહા થા કોંગ્રેસ ઓર બીજેપી કા મેચ હૈ ઇસ બાર આમ આદમી નીચે ધનિલ ભાઈ वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए वो जल्दी चुनाव कराने के मूड में है. और लोग बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि शायद हफ्ते दस दिन के अंदर विधानसभा बंद करते हुए चुनाव जीते. सर एक और सवाल, ये जो पंजाब हिंसा को लेकर भी आपने ट्वीट किया है, बीजेपी पर निशाना साधा है, क्या ये पूरा माजरा है, क्यों आपको ऐसा लगता है? सर पंजाब हिंसा पे और कोई बीजेपी पे पंजाब में हमने केवल पंजाब में जो लोगों ने हिंसा की है, जो लोगों ने गलत तनाव किया है, उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. आज सुबह से काफ़ी स्ट्रांग एक्शन सरकार ने लिए हैं और पटियाला के अंदर पूरी तरह से अमन शांति हो चुकी है. और जो भी लोग हैं पंजाब, किसी को भी, चाहे इसका हो चाहे उसका हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, चाहे कि कोई भी अगर पंजाब की शांति को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सर खालिस्तान समर्थक नारे लगे हैं. सर खालिस्तान